अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, हमेशा ही की तरह खुशबाश रहे होंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरे पास जब कमेंट्स आता है तो मुझे ऐसा लगता है मुझे मज़ीद कमेंट्स और लोग करेंगे, मेरे सब्सक्राइबर इंतज़ार रहता है। इसी तरह कुछ सब्सक्राइबर्स को मेरी वीडियो का भी इंतज़ार रहता होगा। मैं खुश फहम नहीं हो रही, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मेरी कटिंग स्टिचिंग ट्यूटोरियल का किसी को इंतज़ार हो और मैं ना लाती हूँ और वो मुझे कमेंट्स करते हों कि प्लीज़ कटिंग स्टिचिंग लेकर आएं। तो कोशिश मैं भी करती हूँ कि अपनी हिम्मत से भरकर काम करूँ, आपके लिए लेकर आऊँ कुछ ना कुछ कटिंग ट्यूटोरियल्स। अब मैं कोशिश कर रही हूँ दोबारा से सिलाई सेंटर का, तो फिर इंशाल्लाह आपको कटिंग स्टिचिंग ज़रूर शो हुआ करेगी, दिखाया करूँगी, क्योंकि जो मैं स्टूडेंट को सिखाती हूँ उसकी वीडियो भी बनाकर आपको पेश किया करूँगी इंशाल्लाह। आप प्लीज़ मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत हौसला दे, मुझे सेहत तंदुरुस्ती मेरी कायम रहे और मैं बच्चियों के भी काम आ सकूँ, जो बच्ची मेरे पास सीखने के लिए आने लगी हैं, या वो लोग जो मेरे चैनल पे वीडियो देखकर कटिंग स्टिचिंग सीखते हैं उनकी मैं कुछ मदद कर सकूँ, दूर बैठे ही सदका जारिया का कोई सबब बन सकूँ, ताकि लोग मुझे दुआओं में याद रखें और अच्छी अच्छी दुआएँ भी दें और बहुत खुश हों, ताकि मैं भी खुश हूँ उनकी दुआओं वाले कमेंट्स पढ़कर, तारीफ़ वाले कमेंट्स पढ़कर, और मैं आपको और मज़ीद अच्छा काम लाके देने की कोशिश करूँ और आप खुद भी खुश हों कि वाकई हमारी मदद हो सकी दूर बैठे भी। प्लीज़ दुआओं में याद रखा करें, मेरे अलावा बहुत सी दुनिया में लोग हैं जो दुआओं के मुंतज़िर हैं, आपकी दुआओं के, आपकी आमीन के मुंतज़िर हैं। उन्हें सेहत तंदुरुस्ती बहुत अजीज़ है, अगर सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो सब कुछ बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर सेहतमंद इंसान होता है तो उसका दिल करता है मैं आज ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये काम भी मेरा है तो मैं आज ये ही कर लूँ, और जब तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना करने को ना खाने को। तो ये एक इंसान की फितरत है, ये कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको किसी को मेरी कोई बात बुरी भी लग जाए तो मैं माजरत करती हूँ। अब हमेशा कोशिश किया करें, इतना ज़र्फ रख लिया करें, अच्छी बुरी बात अगर कोई कह दे तो उसे माफ़ करने का ज़र्फ़ रखना चाहिए, बड़ा दिल रखना चाहिए। जैसा कि हमने मैंने शुरू शुरू में जब वीडियो बनाना शुरू की, लोगों के कमेंट्स आए, मशीन की तरह बोलती हो, इतना फास्ट बोलती हो, इतना ज़्यादा बोलती हो और कम बोला करो, तो फिर हमने बार बार मैंने बताया कि यूट्यूब की तरफ से अलाउ नहीं, खामोश वीडियो म्यूज़िक अलाउ नहीं है, आइडियाज़ वीडियो पर ट्यूटोरियल पर म्यूज़िक अलाउ है। फिर मैंने म्यूज़िक लगाया ट्यूटोरियल पर, लोगों के कमेंट्स आए कि आपकी ज़बान नहीं है, क्या बोलना नहीं आता, इसीलिए मैं आपको बात बता रही हूँ। और इसीलिए मैंने आपको गाइड करने के लिए कहा है कि अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे, अच्छी लगे, जो भी है बता दिया करें, क्योंकि हिम्मत हौसला बढ़ता है, लोगों को गाइड करें तो भी बढ़ता है। लोगों ने जैसे मुझ पर तनकीद की तो मैंने हिम्मत नहीं आ रही अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश की। अगर मेरा लहजा तेज़ है या कुछ, ये बचपन की आदत है, ख़ानदानी आवाज़ है, तो हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ अल्लाह की देन, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला ने हमें आवाज़ ऐसी नेमत से नवाजा, आमीन।